आओ। मैं कहना चाहूँगा ये ऊपर वाले की कृपा है, और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, जो आज तक हम हाईलाइट थोड़ा बहुत रह लेते हैं। क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने हिस्ट्री में बिग बॉस देखे हैं, उसके बाद क्या होता पता है, लोग ना गायब से हो जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, बट पता नहीं, मेरे को चाहे फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, किसी ना किसी तरीके से हम लाइमलाइट में रहते हैं। ये अच्छे से नहीं तो कभी बुरे से हो जाते हैं, बट रहते हैं। नहीं, मेरे को मज़ा आता है एक्चुअली ना, कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है वाओ, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ इसलिए वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कम से कम इग्नोर नहीं कर रहा कोई, सबकी ज़बान पे है मेरा नाम, तो ये अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए। मूवीज़ आ रही हैं दो दो, और इकट्ठी नहीं आ रही ऑब्वियसली, अलग अलग आएगी, और बहुत जल्दी, अभी रिवील नहीं कर सकता, वो ना कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं उसमें बता नहीं सकते। मैंने पता नहीं शायद किसको बताया था, बट हाँ बताया था कि खतरों के खिलाड़ी में ना क्या होता है, एक वो है मगरमच्छ का, जिसमें मगरमच्छ आते हैं बहुत सारे, वो उठा के मैंने देखा हूँ, मगरमच्छ से डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो अगर मगरमच्छ होंगे तो भाई मैं नहीं हूँगा, और मगरमच्छ अगर नहीं हुए तो सोचेंगे पहले मगरमच्छ हटाओ भाई। नहीं, है मैं ना ऐसा सोचता नहीं, अभी मैं यहाँ सेट पे आ रखा हूँ इसलिए मैं तैयार हो रखा हूँ, बट मेरे को ना ऐसे सजना संवरना या फिर जो भी कपड़े कपड़े इतने ज़्यादा बढ़िया पहनने पसंद नहीं है, मैं लोअर टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। बिग बॉस में भी देखा हुआ आपने, सब सज के रहते थे, हम थोड़े अलग रहते थे, तो मेरा मानना है कि जब लोग देखने आते हैं वो मुझे देखने आते हैं, ना कि मेरे कपड़े वपड़े कि इन्हें क्या पहन रखा, कितना सजा दजा बैठा है, तो जो मेरे को चाहने वाले लोग होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यार, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि इतना चैलेंज मैं फेस कैसे कर पाऊँगा लाइफ में, बट फिर मेरे को एक इनविजिबल पावर आती है, और उसके बाद जब मैं चैन कुली की मैन कुली बोलता हूँ ना, तो सब चीज़ें मस्त हो जाती हैं, और उससे सारी पावर आ जाती है मेरे अंदर की। मूवीज़, गाने, रियलिटी शोज़, फिक्शनल शोज़ जो भी हैं, और जो जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब वगैरह, व्लॉगिंग वगैरह, भाई बहुत मुश्किल है यार, तो कर रहे हैं, पावर चाहिए पर इसके लिए। देखो मैं दो वर्ड नहीं बल्कि मैं पूरी बुक लिख सकता हूँ पापा पे, तो मैं बोलना चाहूँगा आई लव यू, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जितना आप मेरे से करते हो आई नो, आई अंडरस्टैंड, और जितने भी आप डांट मारते हो वो भी मुझे पता है, आप मेरे भले के लिए मेरे भले के लिए ही मुझे डांट मारते हो, सो आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसे फादर साहब मिले, और जैसे वो बोलते हैं हर जन्म में उन्हें मैं अच्छी हूँ, तो सेम हर जन्म में मुझे ऐसे पिताजी चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे, उसकी टीम भी, और खूब हमारा भाईचारा दिखे, और जोड़ी तो अपनी अच्छी है, कभी हम टांग खिंचाई करते हैं उसकी, कभी वो करता है, तो अच्छा खासा चल रहा है, कोई ऐसा कोई ग्रज नहीं है किसी के मन में, कोई द्वेष नहीं है, बाहर की चीज़ें चलती रहती हैं छोटी मोटी, सब ठीक हो जाती है, तो पॉजिटिविटी की तरफ हमारा कदम है। मैं कहना चाहूँगा कि यार बढ़िया, तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो और खूब सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या फिर होप करूँगा मैं ऊपर वाले से भी, कि आप लोग सदा मेरे साथ रहो और खूब मेरा ऐसे ही साथ दो। मच लव टू यू गाइस।